नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर तीन जो है वो सॉल्व करा रहे हैं तो इससे पहले हिंदी के हमने 20 प्रश्न जो है वो देखे थे आज हम देखेंगे उसके आगे के 21 से लेकर 50 तक के 30 प्रश्न जिसमें आपके हिंदी के दस प्रश्न इंग्लिश के दस प्रश्न और साइंस के दस प्रश्न जो है वो होंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ कि आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वेस्ट एंड ट्रंकलेस लेज ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डाइजर्ट तो पहला प्रश्न है इस पर आधारित वट इज द नेम ऑफ वर्ड एंटीक चार ऑप्शन है मॉडर्न न्यू करंट या एसेंट तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एशियंट जिसको हम प्राचीन जिसका हिंदी अर्थ होता है पुरातन जिसको हम कहते हैं यही जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्न बाईस है यूज द सुटेबल कंजेक्शन और टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस क्या है आपका कि दिस इज द सेम बुक डैश वॉज मिसिंग तो डैश की जगह क्या आएगा सो so आएगा दैट आएगा देन आएगा या विच आएगा तो चार ऑप्शन है बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट जो है वो हो जाएगा दिस इज द सेम बुक दैट वॉज मिसिंग द सेम जो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो द सेम लिखा हुआ है इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु या कह सकते हैं विच का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है ये चीज ध्यान रखिएगा बल्कि उसकी जगह जो है वो दैट का प्रयोग जो है वो किया जाता है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न ट्वेंटी थ्री कह रहा है कि इज द ब्यूटीफुल रेनबो इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस क्या है आपका द सब्जेक्ट द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे तो ये आपका सेंटेंस है आपको बताना है सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है दोनों है या नन ऑफ दीज तो बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट जो है आपका द ब्यूटीफुल रेनबो जो है वो हो जाएगा यही जो है आपका प्रश्न में पूछा गया था अगला प्रश्न ट्वेंटी फोर है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस क्या आपका कि राम राव से टू मी यू लुक अ नाइस चैप तो ये जो है आपका सेंटेंस है आपको बताना है कि राम राव टोल्ड मी दैट डेस लुकड अ नाइस चैप इसकी जगह क्या आएगा यू सी आई या नो चेंज तो इस टाइप से आपका जो है प्रश्न पूछा गया पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप उत्तर का अंदाजा जो है वो लगा सकें तो एबीसीडी चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आई जो है वो यूज होगा रिपोर्टेड स्पीच की जगह यानी आप यहाँ कह सकते हैं राम राव टोल्ड मी दैट आई लुक्ड अ नाइस चेप ये जो है आपका हो जाएगा अगला प्रश्न ट्वेंटी फाइव कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल आर्टिकल आपको बताना है कौन सा है यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स की जगह पर आएगा सेंटेंस है आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो तो चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा तो आर्टिकल जो है वो ए एन का यूज जो है वो वल कॉन्सिनेट के जो साउंड है उसके आधार पर किया जाता है तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए एन ए ये जो है आपका सही हो जाएगा यानी कि आई बाउट ए हॉर्स एन ऑक्स एंड ए बफेलो ये जो है आपका सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न छब्बीस की तरफ यहाँ पर एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं काफी लेंदी है पैराग्राफ पर आधारित आपका प्रश्न नंबर ट्वेंटी सिक्स है कि जॉन थॉट दैट वुमेन वी कैन मैन बिकॉज तो चार ऑप्शन है पैराग्राफ के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा इट वॉज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड दलेला तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न ट्वेंटी सेवन की तरफ की राइट द फैमलिन फॉर्म ऑफ ईगल इसका फैमिलिन फॉर्म आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा फैमिलिन हम कहते हैं स्त्रीलिंग को तो चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईगल जो है वो इसका ही स्त्रीलिंग इस फॉर्म यानी कि फैमिलिन और मेस्कुलिन दोनों ही जो है वो रहता है अगला प्रश्न ट्वेंटी एट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस है आपका डिवाइड द केक डैश द चिल्ड्रन तो बिटवीन होगा एमंग होगा फॉर होगा या टू होगा तो बात करें उत्तर की सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एमंग चिल्ड्रन जो है आपका हो जाएगा अगला प्रश्न ट्वेंटी नाइन है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस है आपका द वॉइस डू नॉट रियलाई ऑन मेडिसिन फॉर ब्रिंगिंग देयर हेल्थ तो आपको बताना है एक्टिव पासिव दोनों या नन ऑफ दीज में से कौन सा जो है वो सही होगा बात करते हैं उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ये जो है वो एक्टिव वॉइस में आपका हो जाएगा तो प्रश्न है तीस आपका कि मेंशन अ कॉमन सुइटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स वर्ड्स आपके दे रखे हैं शोर स्लीप और बोर्ड और नीचे चार ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं तो प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था पहले यूज़ होते हैं और सेफिक्स जो है वो बाद में जिस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो हिंदी में देखते हैं तो बात करें उत्तर की कौन सा सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए जो है आपका हो जाएगा ए से आपका एश्योर हो जाएगा ए से एच्लीप हो जाएगा और ए से अबाउट जो है वो हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आप संस्कृत के दस प्रश्नों की तरफ प्रश्न है आपका थर्टी वन कि घाता का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी बात करें उत्तर की तो प्रतिघात जो है आपका सही हो जाएगा इसके साथ साथ इसमें विसर्ग भी जो है वो लग जाएगा अगला प्रश्न है आपका थर्टी टू हरिप्रिया का पर्यावाचिक शब्द कौन सा होगा चार ऑप्शन है तो पर्यावाची शब्द जो है वो पूछा गया है बात करें उत्तर की पहले ऑप्शन आपका लक्ष्मी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न थर्टी थ्री है स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप जो है वो क्या होगा चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तिष्ठता जो है वो आपका स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा ये आपको रूप जो है वो याद होने चाहिए अगला प्रश्न थर्टी फोर है सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या होता है तो ये जो डिवीजन किया गया उसके आधार पर पूछा गया है चार ऑप्शन है कौन सा आपका सही होगा बात करें उत्तर की तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सभी स्वरों का विवृत जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है अगला प्रश्न पैंतीस है लेखाहहा पद में कौन सा प्रत्यय है चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो कौन सा सही होगा सही हो जाएगा आपका घय प्रत्यय जो है आपका लेखाहहा पद में जो है वो हो जाएगा अगला प्रश्न थर्टी सिक्स है कि बाल के ब्याह मिष्ठानम रोचते रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना रहे इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा तो रोचते यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका चतुर्थी विभक्ति में होता है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो चतुर्थी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न थर्टी सेवन है रामष्टिकते पद में कौन सी संधि है चार ऑप्शन है कौन सी संधि है बात करें उत्तर की तो स्तुत्व संधि आपका स्टुत्व संधि जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न थर्टी एट है महादेवा पद जो है उसमें आपको समाज जो है वो बताना है तो चार ऑप्शन है आपको बताना कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं उत्तर की सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्म धारा समाज जो है वो हो जाएगा अगला प्रश्न थर्टी नाइन है आजन पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही होगा तो बात करें उत्तर की सही हो जाएगा आंग जो है वो उपसर्ग जो है वो हो जाएगा लास्ट हमारा संस्कृत का है थोड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर और इस पर आधारित प्रश्न नीचे पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति नारी कस्मिन रूपेण पूजिता तो किस रूप में पूजी जाती है ये आपको जो पैराग्राफ है उसके बेस पर उत्तर देना है बात करें उत्तर की तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवी जो है वो हो जाएगा यदि वन लाइन में लिखना होता तो आप लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति नारी देवी रूपेण पूजिता इस टाइप से जो है वो लिख सकते थे बढ़ते हैं आप विज्ञान के की तरफ ये भी कुल हमारे दस प्रश्न जो है वो आते हैं इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा प्रश्न है आपका इकतालीस नंबर मनुष्य में कितने प्रकार के दात होते हैं तो बीटीसी के लेवल पर ये कोर्स में भी था आपके तो किसी का गलत नहीं होगा तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा चार जो है वो होते हैं कौन कौन से पहला आपका होता है छेदक या करंतर जिसे हम इंसीजर जो है वो कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है काटने का इसको हम काटने के दांत के रूप में भी जानते हैं दूसरा होता है आपका भेदक या रदनक भी जिसे हम कहते हैं और इंग्लिश में हम कैन जो है वो कहते हैं इसका कार्य होता है जो भोज्य पदार्थ होता है उसको फाड़ने का कार्य तो हम फाड़ने के दांत के रूप में भी से जानते हैं तीसरा होता है अग्र चवर्णक जिसे हम प्री मोलर कहते हैं और चौथा होता है आपका चवर्णक जिसे हम मोलर कहते हैं इंग्लिश में और इसका कार्य जो है वो चवाने के दांत के रूप में जो है वो यूज़ होता है तो ये चार जो है वो मनुष्य में दांत के प्रकार होते हैं अगला प्रश्न फोर्टी टू है गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश को लागू होता है चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था इन्होंने कहा था इनके या नियम के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये जो है आकर्षण बल जो होता है वो एफ का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तो दो पिंडों की बात की जाती है इसलिए आप कह सकते हैं किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लागू होता है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वर्ष सिक्सटीन में जो है वो न्यूटन ने जो है वो दिया था और सूत्र क्या था एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये जो है वो सूत्र था और यहाँ पर जो जी है उसकी वैल्यू क्या थी 6.67 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस इलेवन क्योंकि पिछली बार जो सुपर डेट हुआ था उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए थे तो ये सारी वैल्यू आपको फॉर्मूला सभी चीज़ें पता होने चाहिए इस पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो आप कर जाएँ अगला प्रश्न फोर्टी है कि डैश एक दवा या पदार्थ है जिसमें आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमी जो है वो करती है चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा तो डिप्रसेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है ये जो है वो सही हो जाता है ये जो है वो दवाइयाँ शरीर के जो कार्य हैं और जो प्रतिक्रिया उसको धीमी कर देती है इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हैं जो एनलाइजैसिक दवाइयाँ लिखी हुई हैं ये शरीर के दर्द को कम करने के लिए जो है वो यूज़ में आती हैं इसके अलावा एंटी एंटीहिस्टेमाइन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इसका कार्य एलर्जी जो है उसका उपचार करना जो है वो होता है अगला प्रश्न है फोर्टी फोर की जब डैश की कमी होती है तब पेशियाँ थक जाती हैं तो किसकी कमी के कारण जो है वो पेशियाँ थक जाती हैं सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ए जो है आपका सही हो जाएगा कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइक्रोकॉन्डिया में ए इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफासफेट इसका जो है वो निर्माण होता है ये क्या करता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और जब ए की कमी होती है तो जो मांसपेशियां होती हैं जो वो थक जाती हैं अगला प्रश्न फोर्टी फाइव है कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है तो चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा अमोनियम नाइट्रेट के सूत्र की बात करें तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर पी एन एच फोर एन ओ थ्री जो है वो सही हो जाएगा इसके अलावा एलम जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं उसका भी सूत्र काफ़ी बार पूछा जाता है तो उसका सूत्र होता है के टू एस ओ फोर डॉट एल टू एस ओ फोर डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ तो हो सकता हो वो भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए अगला प्रश्न है प्रेरण कुंडली जो है उसका आविष्कार जो है वो किसने किया था चार ऑप्शन है एडविन हारवर्ड आर्मस्ट्रांग दूसरा ऑप्शन है जॉन बार तीसरा ऑप्शन है एडविन बियर्ड बडिंग और चौथा ऑप्शन है निकोलस कालन तो चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा निकोलस जो कालन है उन्होंने 1836 में जो है इसका आविष्कार जो है वो किया था उपयोग क्या होता है निम्न जो वोल्टेज है उसके डायरेक्ट करंट द्वारा उच्च वोल्टेज को पल्स उत्पन्न करने में जो है इसका यूज़ किया जाता है अगला प्रश्न है फोर्टी सेवन डैश एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए सोने के लिए जो है वो देते हैं चार ऑप्शन है कौन सी जो है इनमें से सही होगा तो बात कर लेते हैं उत्तर की तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बारबी च्यूरेट जो है ये एक दवा होती है जो कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करती है और इसी का प्रयोग जो है जो डॉक्टर हैं मरीजों को शांत करने के लिए या कह सकते हैं सोने के लिए देते हैं अगला प्रश्न जो है 48 एट पूछ रहा है कि कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों जो है उनका भंडारण जो है वो करता है और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक मिनट प्रश्न पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए यही प्रश्न है आपको वीडियो के मेन कमेंट में ए बी सी या डी टाइप करके जो है वो बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा देखते हैं कितने लोग जो है इसका उत्तर सही बताते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसमें आपका विटामिन ए आता है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है विटामिन डी आता है जिसका रासायनिक नाम कैल्सियम होता है विटामिन ई e भी आता है जिसका रासायनिक नाम टोको होता है और उसके साथ साथ विटामिन के भी आता है जिसका रासायनिक नाम नेफ्तोक्विन होता है और उन सभी विटामिन का जो भंडारण है वो कहाँ होता है वही जो है आपको यहाँ पर पूछा गया है अगला प्रश्न 49 है एफ के न्यूक्लियस में 26 प्रोटीन होते हैं एफ ई टू प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होगी तो नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो आप कह सकते हैं 26 सिक्स यहाँ पर दे रखी है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बराबर होती है यानी आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जो है आपका 26 जो है वो हो जाएगा परंतु यहाँ पर एफ़ी टू में पूछा गया है तो एफ़ी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग कर एफ ई टू प्लस बनाता है इसलिए आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 26 में से आप दो जो है वो घटा देंगे आपका 24 जो है वो उत्तर जो है वो सही हो जाएगा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्योंकि टोटल हमारे दस दस प्रश्न सभी सेक्शन के थे तो यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा पहला ऑप्शन है टाइटेनियम दूसरा है गंधक तीसरा है ऑर्गन चौथा है जिंक तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्गन जो है आपका हो जाएगा देखिए टाइटेनियम जो है उसका गलनांक होता है वन सिक्स सिक्स एट डिग्री सेल्सियस गंधक जिसे हम सल्फर के नाम से भी जानते हैं इसका जो है वो गलनांक होता है एक सौ पंद्रह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस आर्गन का गलनांक जो है वो माइनस में होता है तो आप कह सकते हैं माइनस वन एट नाइन पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस आर्गन का होता है और जिंक का जो है वो चार सौ उन्नीस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है तो उस आधार पर आर्गन का जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर गल्लांग सबसे कम जो है वो सही हो जाएगा तो इसी के साथ हमारे इस सेट के प्रश्न समाप्त होते हैं अगले वाले वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम जो है वो देखेंगे तो आज के वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम तक तो के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग